12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए मुस्लिम संतों की तकरीबन 1400 पालकियां अरब राष्ट्र से विश्व के अलग अलग दिशाओं की ओर निकल पड़ी। कुछ पालकियां हिंदुस्तान की सरजमीन की ओर निकल पड़ी। इन पालकियों के साथ काफिले भी थे और अपनी अपनी दिशाओं की ओर ये काफिले निकल पड़े। सूफी संत सैयद तानुशाह, सूफी संत सैयद भानुशाह इन दोनों भाइयों के साथ, उनकी माताजी भी इन पालकियों में शामिल थी। देवभूमि माऊरगढ़ को आकर इन दोनों सूफी संतों ने अपने लिए एक पाक जगह चुनी, जो ये पाक जगह है जहां पर आकर इन सूफी संतों ने इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया। और इसी जगह पर आकर ध्यान धारणा की, कठोर साधना की, अल्लाह की चाहत में इसी जगह बैठकर उन्होंने इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया। सैयद तानुशाह और सैयद भानुशाह ये दोनों भाई थे। आज मैं इस पाक जगह पर पहुंचा हूं और यहां के मुतावली है जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। ये मुतावली 40 साल पहले इस जगह पर आए। हालांकि यहां पर उनका आना एक हैरत अंगेज कहानी है। बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले शेख सुल्तान, इन मजार के पड़ोस में एक दूसरी मजार है, वहां पर दर्शन के लिए आते थे। एक दिन अचानक एक अनजान व्यक्ति उनको रास्ते पे मिली और उन्होंने कहा कि देखो, आपको सैयद तानुशाह और सैयद भानुशाह की इस मजार पर प्रतिदिन चिराग जलाना है और इस दरगाह की देखरेख करना है। तब इन्होंने कहा कि वे बेहद गरीब परिवार से है और मोल मजदूरी करके अपना चरितार्थ चलाते हैं। तब उस अनजान व्यक्ति ने कहा, आप जाइए, सारा मामला ठीक हो जाएगा। जैसे ही 40 साल पहले शेख सुल्तान यहाँ पर सेवा करने लगे, धीरे धीरे उनके बुरे दिन खत्म हुए। उस अनजान व्यक्ति की उन्होंने कई साल तक तलाश की, लेकिन वे अनजान व्यक्ति दोबारा उनको मिल ही नहीं। तो मैंने देखा कि भीतर मजार के आसपास में दीपक जल रहा है, तो इसकी क्या खासियत है? ये खासियत यह है कि भाई यहाँ से ये दीप जो जलने लगा, ये दीप के वजह से यहाँ का सब आमन चलने लगा और लोगों को फल मिलने लगा। तो क्या हिंदू धर्म के भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? हर धर्म का आदमी आता है, हर धर्म बोले तो यहाँ ऐसा होते हैं, किसी धर्म का कोई विषय नहीं, विषय कोई भी इंसान आ सकता, दुखी और वो आगे अपने सुख पा लेगा। अच्छा, बस इतना है। आप कितने साल से काम करते हैं? मैं यहाँ 40 साल से हूँ। अच्छा, 40 साल से आप सेवा करते हैं जी। तो क्या आपके दादा पिताजी भी यही काम करते थे? नहीं, पहले तो हम उस बाहर गांव के थे, लेकिन ये ऐसा होगा कि इन्होंने हमको बुलाने से हम ही ये जगह पे आ गए, और वो भी हमको दृष्टांत बिल्कुल नहीं, ऐसा रूबे रूप बात करके ये जगह पे बैठे। क्या बात, सर्वधर्म समभाव की भावना को बल देने वाली ये दरगाह है। हर साल लाखों की तादाद में हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेकने के लिए और मन्नत मांगने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। ये पावन भूमि है।
जिस किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वे अपनी इच्छा अनुसार इस दरगाह को भेंट देते हैं। हम भी इस सूफी संतों की मजार पर मत्था टेक कर विश्व की मंगल कामना करते हैं। और हम अभी अगली कहानी की तलाश में इन पहाड़ियों की ओर निकल पड़ रहे हैं।